हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आलोक शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल लर्न द रूल, जिसमें हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। परंतु मेरा यहां डिस्क्लेमर ये रहेगा कि चैनल पर दी गई जानकारी आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपको रूल्स को ठीक से तरह से सिंपल भाषा में समझने के लिए दी जा रही है, परंतु इसका किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने या लीगल रूप से चैलेंज करने के लिए ये जानकारी नहीं है, और इसके लिए फिर आपको रिलेवेंट सर्कुलर या बुक्स को प्रेजेंट करने की जरूरत होगी। पर फिर भी जो जानकारी दी जाएगी वो मेरी बेस्ट कैपेसिटी के आधार पर ठीक ही होगी, और आपको मालूम है रूल डायनेमिक होते हैं, तो पर्टिकुलर जो जानकारी दी जा रही है उस दिनांक के बाद हो सकता है मैं इसकी स्थिति में परिवर्तन भी आए। तो मैं चैनल में ये भी कोशिश करूंगा कि जब विशेष कोई अपडेट आते हैं तो वो भी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूं। तो आज की जो हम जानकारी देने वाले हैं वो है हमारी हाफ पे लीव के बारे में, तो शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको HPL या अर्ध वेतन अवकाश कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, लीव देने का जो तरीका है, इस विषय में मैं अर्न लीव की जानकारी पहले ही दे चुका हूं, वीडियो चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत इलोबरेटिव जानकारी वहां दी गई है। तो उसी के हिसाब से हाफ पे लीव क्या होती है उसी कड़ी में हम यहां समझ सकते हैं इसको। हाफ पे लीव भी जैसे अर्न लीव दी जाती है उस तरह से ही, यानी उसका जो दिनांक होता है 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट की जाती है। अब हाफ पे लीव कितनी क्रेडिट की जाएगी, इसके विषय में जो स्थिति है वो ये है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन का हाफ पे लीव यानी HPL एडवांस क्रेडिट दिया जाता है किसी एम्प्लॉई को। अब बात आती है कि ये उनके बारे में बात हो रही है जो लगातार रोल पर हैं, यानी कंटिन्यूअस जॉब में है। अब कुछ इवेंट ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी नए व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं, कोई न्यू अपॉइंटी है, उन्होंने ज्वाइन किया, तो हम कह सकते हैं ये अपॉइंटमेंट की इवेंट हो सकती है जो किसी भी महीने में हो सकती है, जब भी ज्वाइन करेंगे। तो इस बारे में स्थिति ये होगी, क्योंकि लीव अब क्या दी जाएगी, प्रोरेटा आधार पर दी जाएगी। तो प्रोरेटा कैसे करेंगे, तो इसमें होगा 5/3 यानी 5/3 इसको कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कैलेंडर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, यानी जो व्यक्ति ज्वाइन किए हैं उनके कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ देखने होंगे। थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 फरवरी को ज्वाइन कर लिया है, तो 10 फरवरी का मीनिंग क्या होगा, जनवरी का तो लीव मिलेगा ही नहीं क्योंकि फरवरी में ज्वाइन किया है, और यहाँ फरवरी 10 तारीख को ज्वाइन किया है, तो फरवरी का जो मंथ आएगा 28 या 29 डेट हो सकती है, ये पार्शियल मंथ होगा, तो फरवरी का कोई भी यहाँ क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। फिर आपके जो रिमेनिंग मंथ रहेंगे वो 4 मंथ रहेंगे, यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5/3 से, तो इसका जो भी फैक्टर आएगा, हो सकता है ये राउंड ऑफ करना पड़े हमें, तो जो भी वैल्यू आएगी यानी 5/3 × 4, तो जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको हम क्या करेंगे, नियरेस्ट नंबर में राउंड ऑफ करेंगे, यानी 0.5 या आधे से ऊपर जाता है तो अगले डेज में ले जाएंगे, और कम आता है तो उसको इग्नोर कर देंगे, तो इसे राउंड ऑफ करके दिया जाएगा। इसी तरह से जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में ज्वाइन करने की स्थिति हो सकती है। ये बात जैसे ज्वाइन करने के बारे में लागू है, इसी तरह से तो ये बात आ रही है कोई न्यू एंट्रेंस के लिए जो एंट्री कर रहे हैं। इन द सेम वे या सिमिलरली हम कह सकते हैं क्विटिंग सर्विसेज, तो सर्विस क्विट करने की क्या इवेंट हो सकती हैं, वो रेजिग्नेशन हो सकता है या वो रिटायरमेंट हो सकता है, या किसी के साथ ऐसा ना हो डेथ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि मालूम है आपको ये तीनों इवेंट होती हैं, नेचुरली जॉब में रहते हुए भी डेथ हो जाती है, तो ये तीनों इवेंट जिसमें कि सर्विस क्विट हो जाएगी, डेथ तो डेथ ही है, तो आप समझ सकते हैं यानी रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और आपका डेथ, इन तीन इवेंटों में भी ठीक वैसे ही लीव की कैलकुलेशन की जाएगी जैसे कि न्यू एंट्रेंस के लिए ज्वाइनिंग पे की जा रही थी, यानी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में जो भी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ होंगे उनके जितने हुए होंगे उसके आधार पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 5/3 से, और फिर राउंड ऑफ किया जाएगा, नियरेस्ट नंबर जो भी आएगा उसमें राउंड ऑफ होगा, उस हिसाब से लीव दी जाएगी। अब बात आती है कि जैसे हमने ईएल में कहा था कि डाइजनॉन वाली जो स्थिति होती है, यानी जिसको हम अकार्य दिवस कहते हैं, जो पीरियड ऐसी सर्विस जो डाइजनॉन की जाती है उसमें क्या होगा, या फिर कोई सस्पेंशन पीरियड जो कि इसको कि कार्य नहीं माना, अकार्य माना गया हो या डाइजनॉन माना गया हो उस पीरियड को, तो इस केस में कैसे लीव क्रेडिट करेंगे। इस केस में लीव क्रेडिट करने का जो मेथड है वो ये है कि यदि कोई भी पीरियड जो कि डाइजनॉन रहा है, या वो किसी एब्सेंस के कारण से डाइजनॉन हुआ, मतलब किसी कारण से हुआ हो, या फिर निलंबन या कह सकते हैं सस्पेंशन का जो पीरियड जो डाइजनॉन में यदि गया हो, तो उस केस में जब आप अगला 6 माह में, यानी जो भी पीरियड रहा हो, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जनवरी से लेके जून तक के बीच में कोई ऐसा पीरियड रहा हो, फरवरी मार्च में कहीं रहा हो इस तरह का कोई पीरियड,
तो अगली छमाही यानी जो 1 जुलाई से और दिसंबर तक की लीव एडवांस क्रेडिट दी जानी है, वहां से एचपीएल का डिडक्शन होगा। किस रेट से होगा ये जान लीजिए, ये 1/18 यानी 1/8 से देना पड़ेगा, यानी 1/18 ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस। तो इसको 1/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है पीरियड ऑफ एब्सेंस को, और जो भी फिर निकल के आएगा उसके आधार पे आपका जो लीव लेस हो सकती है वो 10 तक हो सकती है, यानी मैक्सिमम जो डेबिट करेंगे वो 10 तक हो सकता है। एक बात ये है। एक फिर इवेंट और आती है, दो इवेंट हम कहेंगे यहाँ पे, एक होता है रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल। तो डिसमिसल या रिमूवल वाले केस में क्या होता है, जैसे हमने आपको क्विटिंग सर्विस की इवेंट बताई थी, ऐसी तरह से क्विट सर्विस यहाँ भी हो सकती है इस कारण से भी, लेकिन इसमें क्या करना होगा, रेजिग्नेशन रिटायरमेंट और डेथ के केस में तो कंप्लीट मंथ तक जब भी उनकी इवेंट हुई है वहां तक का लीव कैलकुलेट करते हैं। पर इस वाले केस में क्या होता है, जिस जिस मंथ में ये इवेंट हुई हो यानी उनका डिसमिसल हुआ हो या रिमूवल हुआ हो, तो वो मंथ, और मान लीजिए कि 31 या 30 को रिमूवल का ऑर्डर निकला है, तो वो मंथ काउंट फिर भी नहीं होगा। तो इसमें जो लीव दी जाती है वो उससे प्रिसीडिंग मंथ की यानी उससे पूर्व वाले मंथ की दी जा सकती है, तो ये इसमें रहेगा। और एक बात आती है कि रेगुलर एम्प्लॉय का तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेम्परेरी एम्प्लॉय कोई टेम्परेरी चल रहे हैं तो उसको कैसे लीव दी जाएगी। तो अगर कोई अस्थायी सेवा या टेम्परेरी स्थिति है तो एचपीएल लीव देने का एक कंप्यूटर अथॉरिटी को ये देखना होगा कि उनके लीव के बाद ड्यूटी पर वापस लौटने की संभावना तो है, या वो इस बात से सेटिस्फाई होने चाहिए कि, तो यहाँ रूल कहता है कि देर शुड बी अ रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ एन एम्प्लॉय आफ्टर लीव। तो लीव पूरा होने के बाद किसी एम्प्लॉय के लौटने की संभावना का रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट या पूरी संभावना है, तभी वो उसमें टेम्प्रेरी एम्प्लॉय को लीव दी जा सकेगी। अब बात आती है कि इसकी लीव सैलरी कितनी दी जाएगी। तो लीव सैलरी के बारे में यह है, देखिए अर्न लीव में जो लीव सैलरी मिलती है वो मिलती है लीव सैलरी एट द रेट ऑफ एट द रेट विच ही वॉज ड्रॉइंग जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, यानी लीव पे जाने से पहले जो सैलरी ड्रॉ कर रहे होते हैं वो तो ईएल के दौरान मिलती है। तो एचपीएल में क्या है कि ईएल की जो सैलरी मिलती है उससे आधी रेट हो जाएगी, तो उससे हाफ रेट से मिलेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, यदि किसी कैलेंडर मंथ में एचपीएल का कुछ पीरियड आ रहा है, मान लीजिए हम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये जुलाई का मंथ ले लेते हैं, जुलाई के मंथ में कोई व्यक्ति 1 से 15 दिन तक ड्यूटी पर आए या 16 तक आए, जो भी दिन हो सकता है, बाद में वो 15 दिन या रिमेनिंग 14 दिन जो भी दिन होंगे उसमें वो एचपीएल पे चले गए, तो लीव मतलब कैसे रेगुलेट करेंगे, मतलब कैसे सैलरी होगी। तो आपको मालूम है जो ड्यूटी है ड्यूटी का पे मिलेगा, साथ ही साथ एचपीएल का जो होगा वो आपका जो अर्न लीव जो यानी ड्यूटी पे जाने से पहले जो पे ड्रॉ कर रहे थे और लीव सैलरी में अर्न लीव में जितनी पे मिलती है उससे आधी कर देंगे, तो उस ड्यूरेशन की आधी पे मिलेगी। लेकिन उसमें देखिए पे आधी करके उसको कैलकुलेट हो जाएगा पे टोटल, लेकिन अलाउंसेस के बारे में मतलब ऐसा नहीं करना होता कि एकदम आधा कर दें उस पीरियड का, जो लास्ट के जो 15 दिन है उसमें आधी सैलरी करके सब चीज का आधा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अलाउंसेस यानी कुछ अलाउंसेस होते हैं, कंपलसरी अलाउंसेस यानी प्रतिकर भत्ते, और साथ ही साथ आपका जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, तो ये जुड़ा हुआ है आपके कंप्लीट कैलेंडर मंथ से। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक रेट है कि इस मंथ में इतना मिलेगा, और हालांकि ये थोड़ा टॉपिक अलग है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, लेकिन थोड़ा लिंक है तो बता देता हूँ कि यदि वो 15 दिन ड्यूटी पे आए हैं, 15 दिन एचपीएल चले गए, तो उधर की 15 दिन की सैलरी तो आधी मिलेगी, लेकिन ये कि अलाउंसेस का प्रोरेटा नहीं होना है, अलाउंसेस आपके क्या मिलेंगे पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि 15 दिन ड्यूटी पे आए थे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा मिल जाएगा, या कोई आपका दूर क्षेत्र का अलाउंस होता है, पर्टिकुलर अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस कुछ ऐसे होते हैं, तो ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं या हिल्स में काम करते हैं तो आपको मालूम है उसका अलाउंस दिया जाता है, तो वो भी क्या होगा आपका सैलरी के साथ आपका जो उसका फिक्स रेट है उसके हिसाब से वो अलाउंस मिल जाएगा। तो सैलरी का कंपोनेंट या पे का कंपोनेंट बदलेगा एचपीएल में, लेकिन अलाउंसेस क्या होंगे टोटली उसके फुल कैलेंडर मंथ के दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जानकारी थी इस बारे में, मुझे लग रहा है जानकारी आपको ठीक लगी होगी, और यदि कोई पॉइंट ऑफ डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, क्योंकि रूल्सों में कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन की थोड़ी दिक्कत होती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत सरल शब्दों में बता पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई आपको इसमें कोई कहीं अधूरापन लगता है तो आप इसके बारे में आप कमेंट्स में लिख के जरूर पूछ लीजिए, मुझे आपके कमेंट्सों का इंतजार रहेगा। और चैनल में जानकारी क्योंकि ठीक ही है, आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर भी करें औरों के साथ, जिससे कि ये जानकारी औरों तक भी पहुँचे और वो भी उससे लाभान्वित हो सकें। तो आपने समय निकाल के वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।